हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है कि प्रेगनेंसी में केले खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या आप खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो चीज़ का फ़ायदा होता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और प्रेगनेंसी तो एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपको अच्छी खासी चीज़ें खा के भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो उसमें से एक केला भी है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की क्रेविंग होती है, बनाना की क्रेविंग होती है। अगर ये सेफ है तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, किस टाइम खा सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं एज वेल एज क्या नुकसान है, सब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है, क्या गर्भावस्था में हम केला खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है हाँ। आप एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आप केला जो है कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, एकदम सेफ है। बल्कि मैं कहूँ तो आप मिनी स्नैक्स के रूप में खाइए, आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, आप जो है मिनी मील्स में खा लीजिए, जब छोटी छोटी आपको भूख लगती है उस टाइम पे खा लीजिए, एकदम सेफेस्ट रहता है। और साथ साथ में अब लोग वो सोचेंगे कि जो केला होता है ऑफकोर्स मीठा होता है, इसमें डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। बट जब आपको आप प्रेगनेंट होती हैं, आपको उस टाइम जो शुगर होती है, गैस्ट्रोजल शुगर होती है, डायबिटीज होती है, उसमें केला अच्छा माना गया है। तो ये आपकी शुगर बढ़ाने में भी कहीं इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो अगर आप दिन का एक दो केला भी कंज्यूम करती है, पहली बात तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप सबको पता ही होगा। तो अगर आप कंज्यूम करती है तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि केला खाने के क्या फायदे होते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, किस हिसाब से आपको खाना है वो बताऊंगी। तो आप प्लीज पूरा देखिएगा और पूरा सुनने के बाद ही इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको ऐसे कौन से तरीके से वो केला कंज्यूम करना है। तो देखो, सबसे पहला होता है मॉर्निंग सिकनेस में। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस रहती है, लोग समझते हैं मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह सुबह उल्टी आना, बट ऐसा नहीं है। दिन में आपको कभी भी वॉमिटिंग आने की समस्या रह सकती है, आपका जी मचलाने की समस्या रहती है। तो आपको जो है केले की प्यूरी बना लेनी है और थोड़े थोड़े टाइम बाद वो प्यूरी एक एक चम्मच खा के कंज्यूम करनी है। उससे देखो, एक तो आपको जी मचलाने की समस्या नहीं होगी और साथ साथ में जो आपके कहते हैं ना उल्टी आने की प्रॉब्लम लगना, तो ये सब आपका नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो केला देता है वो इसलिए देता है कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस दूर करने में आपका बहुत अच्छा साथ निभाता है। अगला है आपका ऊर्जा का स्रोत। देखो, जो एनर्जी आपको केला खा के आती है, डेफिनेटली बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी होंगे इसके, बट केला आपको बहुत अच्छी तरह एनर्जी देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि केले में थ्री टाइप्स की शुगर पाई जाती है, जो कि आपके पूरे दिन आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में, साथ साथ में आपकी बॉडी में एक एनर्जी कहते हैं ना एनर्जी बनाने में यूज़फुल होती है। तो आपको केला जो है आपकी बॉडी में जो थकान होती है, चक्कर आने की समस्या होती है, उस टाइम अगर आप केला खाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करेगी। और नुकसान तो इसका है नहीं, तो डेफिनेटली आप इसको 100 ग्राम्स केला एक दिन में खा सकते हो। अगला है आपका कब्ज के लिए। तो देखो, बहुत सारे लोगों को कब्जी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मगर उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनको डायरिया की समस्या होती है। आप सब जानते ही होंगे, जब आपको डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आप केले खाओ, क्योंकि केले में फाइबर होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जल्दी इजिली पच जाता है और कब्जी जैसे डायरिया होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे डायरिया और लूज मोशन वगैरह की समस्या रहती है, तब भी आपको केला जो है खाना चाहिए। अगला है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, साथ साथ में मैंने अभी आपको बताया फाइबर पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो केला, अगर आपको ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन की प्रॉब्लम है, तब भी आप केला जो है खा सकते हो, ये आपको इस चीज़ में भी फ़ायदा देगा। अगला है आपका एसिडिटी और हार्ट बर्न। आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी होगा कि जो हमारा केला है उसमें प्राकृतिक एंटासिड पाए जाते हैं, जो कि आपको रिलीफ देते हैं, आपके जो पेट में एसिड बन रहा होता है उसको कम करते हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, सीने में जलन की, गैस बनने की समस्या रहती है, तब भी आप केला जो है कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपकी ये समस्या भी दूर होगी और साथ साथ में आपकी जो बॉडी है वो भी एनर्जेटिक बनी रहेगी। अगला मैं बात करूंगी कि केले खाने के क्या नुकसान है। देखो, फायदे मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, अब नुकसान बता देती हूँ।
नुकसान मोस्टली इसका एक ही होता है कि जो केले में है, मैंने आपको बताया शुगर पाई जाती है, 3 टाइप्स की पाई जाती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। अगर आपको पहले ही डायबिटीज़ हैं और आप प्रेग्नेंट होने के बाद आपको वो डायबिटीज़ कंटिन्यू चल रही हैं, तब आपको जो है केला थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि तब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। बट प्रेगनेंसी में होने वाली शुगर में ये थोड़ा सा लाभदायक है। अगर इसकी एक क्वांटिटी के साथ आप खाओ, जो 100 ग्राम आप दिन में खाओ, तो आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक हो सकता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके जो भी रिलेटेड क्वेरीज होंगी बनाना से, वो मैं सॉल्व कर पाई होंगी। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।